की बड़ी और अहम खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी के 3 साल होने पर राज्य मंत्री अभिषेक मिश्रा ने 3 साल पूरे होने पर पार्टी की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि अब तक जितने भी वादे सरकार ने किए हैं उन सारे वादों पर पार्टी ने पूरी तरह से काम किया है और हर तरीके से समाजवादी सरकार सफल रही है। और आपको बता दें, उनका यह भी कहना है कि जो भी वादा समाजवादी सरकार ने किया है 5 साल में करने का, वो 2.5 साल में ही कर दिया गया। तो आपको बता दें कि इस दौरान सरकार की जमकर उपलब्धियां गिनाई गई और सिलिकॉन फैब्रिकेशन की एक यूनिट नोएडा में लगाने की योजना पर भी बात कही। और आपको बता दें कि ये इंडिया में ऐसी यूनिट होगी जो उत्तर प्रदेश में लगेगी। और लखनऊ से हमारे संवाददाता मनीष पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, 3 साल हो गए समाजवादी पार्टी के सरकार में आए हुए, इस दौरान राज्य मंत्री अभिषेक मिश्रा ने 3 साल की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि सरकार पूरी तरह से सफल है। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से अभी एक कार्यक्रम में शिरकत करने अभिषेक मिश्रा पहुंचे थे, वहां पर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने 3 साल की उपलब्धियों के बारे में बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार हर स्तर पर हर मसौदे पर सही साबित हुई है और उसने अपने घोषणा पत्र में जो भी वादे किए थे कि जो वादे जो 5 साल में जो घोषणा पत्र में जो वादे पूरे करने थे वो उसने बताया कि 2.5 साल के 3 साल के होते होते हुए लगभग उसमें से हमने सारे वादे पूरे कर दिए। और कई योजनाओं के बारे में उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने सबसे बड़ी एक अहम बात बताई जिसमें उन्होंने कहा कि एक सिलिकॉन फैब्रिकेशन की एक यूनिट माननीय मुख्यमंत्री उनका कहना था कि लगाने वाले हैं उत्तर प्रदेश, प्रयास किए जा रहे हैं जो नोएडा में होगी और साथ ही साथ ये फैक्ट्री जो है वो इंडिया में पहली होगी क्योंकि आसपास कंट्रीज में देखा जाए तो सिर्फ अभी तक ये यूनिट ताइवान में है, इंडिया में अभी कोई सिलिकॉन फैब्रिकेशन की यूनिट अभी तक नहीं लग पाई है। जी जी मनीष, राज्य मंत्री ने पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का बखान किया, सरकार की उपलब्धियां गिनाई, लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत पर जाए तो कई ऐसी दिक्कतें हैं, जो कई ऐसी कमियां हैं जिन पर अभी तक गौर नहीं किया गया, तमाम विपक्षी पार्टियां भी उन पर लगातार निशाना साधती रहती हैं, उस पर क्या कुछ कहना रहा अभिषेक का? देखिए सबसे बड़ी जो है जो विपक्षी भी हमेशा इस बात को उठाते रहते हैं और निशाना साधते रहते हैं समाजवादी पार्टी सरकार में, वो कानून और व्यवस्था का है। साथ ही साथ कुछ जनोपयोगी योजनाएं हैं जिनका कहना है कि जो लागू तो कर दी जाती है लेकिन वास्तविकता के धरातल पर उस पर देखा जाए तो उस पर अमल नहीं किया जाता, तो इस बात पे भी चर्चा हुई लेकिन इस बात का खुल के कोई जवाब नहीं दिया अभिषेक मिश्रा ने। लेकिन फिलहाल वो जो उपलब्धियां रही 3 साल की उपलब्धियां रही उसी के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि हर स्तर पे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार सफल रही है। जी स्वाति जी, शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो राज्य मंत्री अभिषेक मिश्रा ने 3 साल पूरे होने पर पार्टी की जमकर उपलब्धियां गिनाई और कहा कि जितने भी वादे अब तक सरकार ने किए थे उन वादों पर पूरी तरह से काम किया गया है और हर लेवल पर सरकार सफल रही है और जो भी वादा 5 साल में करने को कहा गया था वो वादा 2.5 साल में ही समाजवादी पार्टी ने कर दिखाया।